नमस्कार, मैं संजना। मेरे चैनल घर की अंगेठी में आपका स्वागत है। आज मैं ठंडाई बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें एक बेसिक है और दो अलग अलग फ्लेवर में बनाऊंगी। एक मैंगो का बनाऊंगी और दूसरा केसर और इलायची का। तो सबसे पहले इसका सामान हम देख लेते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून बादाम लिया है और 1 टी स्पून मैंने सौंफ लिया है, हरी सौंफ है, और 1/2 टी स्पून काली मिर्च है। इसको मैंने तीनों एक साथ भिगा रखा है। आप देख सकते हैं, इन तीनों को मैंने 5-6 घंटे के लिए एक साथ भिगा के रख दिया है, देखिए। और ये 5 मगज है, इसको मैंने अलग भिगाया है। आप शॉप में खरीदे बोलेंगे तो ये 5 मगज बोलेंगे तो आपको एक पैकेट में 3, 4, 5 चीज़ एक साथ मिल जाएगा। और इन सारों को मिला के हमें पीस लेना है एक साथ। और मैंने ये 6 टी स्पून चीनी लिया हुआ है, थोड़ा सा आम का प्यूरी लिया है, केसर है थोड़ा सा, और थोड़ा इलायची है, और 1 टी स्पून मैंने गुलाब की पंखुड़ियाँ लिया हुआ है। और अब इन सारों को एक साथ मिला के हमें पीस लेना है, इसको और ये चीनी और गुलाब की पंखुड़ियाँ, इन सारों को एक साथ मिला के पीस लेते हैं। ये पानी के साथ ही हमें पीसना है इसको। आप चीनी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैं 300 ml के लिए बना रही हूँ, 300 ml दूध के लिए बना रही हूँ। ये देखिए, मैंने सब मिक्सी में डाल दिया है और इसको मैंने धो के अच्छे पानी में, साफ पानी में भिगाया था। मैंने पानी फेंका नहीं, उसी पानी में मैं इसको पीसूंगी। ये देखिए, मैंने पीस लिया है इसको, सारे चीज़ इकट्ठा करके। अब मैं इसमें दूध मिला रही हूँ। ये मैंने 300 ml दूध लिया था, दूध को अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए, मैंने अच्छे से मिला लिया है। बाज़ार में इसका पैकेट भी मिलता है लेकिन उसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता है, और घर में बनाना बहुत आसान है और बहुत अच्छा इसमें टेस्ट भी आता है। अगर आप सुबह सुबह इसको बना के पी लेंगे तो सारा दिन तरोताज़ा फील करेंगे। देखिए, एक मैं इसमें मैंगो का बना रही हूँ। इसमें 2 टेबल स्पून मैंगो प्यूरी डाल रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा बर्फ डालेंगे। बहुत आसानी और बहुत आराम से बन जाता है। आपने तो देखा है कितना आसानी से बन जाता है और बहुत जल्दी बनता है ठंडाई। आप घर में इसे ज़रूर बनाइएगा। आप एक बारी सुबह बना के पी लीजिए, सारा दिन आप एकदम फ्रेश महसूस करेंगे। और दूसरे में मैं इलायची और केसर का बना रही हूँ। और इसको मैं बेसिक ही रखूंगी, इसमें कोई और फ्लेवर नहीं डालूंगी। ये देखिए, ये मेरे 3 तरह के अलग अलग ठंडाई बन के तैयार हो गई है। ये बेसिक है, इसमें मैंने कोई और फ्लेवर नहीं डाला है, और ये केसर और इलायची का है, और ये मैंगो का है। तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी? ये आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।